जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। तो केम शो बताए, आशा करते हैं आप सब लोग मजामा खुश खुशहाल होंगे। और जो दोस्तों वीडियो लेकर आए हैं, उस वीडियो में अब पाकिस्तान की ओर से एक बार हम वीडियो लाए थे, उस वीडियो का ये ऐसा समझ लो कि दूसरा पार्ट, ऐसा ही समझ सकते कि ये जो न्यूज आ रही है वो पुरानी न्यूज है, बट अब ये न्यूज फाइनल आ चुकी है, इसलिए ये वीडियो हम लेके आए हैं। मेजर गौरव आर्या जी का जो चैनल है मेजर लीराइट, उस चैनल से ये वीडियो है। न्यूज में ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है उसकी एयरलाइन जो है, जो प्लेन होते हैं तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब जाते हैं तो वहां पे पार्किंग करने का जो फीस होता है वो फीस भी अब पे नहीं कर पा रहा है। पहले जो हम वीडियो लाए थे उसमें ऐसा था कि फ्यूल का इश्यू, मतलब वहां पे दूसरे कंट्री में जाना हो तो बीच में उसको फ्यूल खत्म हो गया था, फ्यूल खत्म हो गया था तो फ्यूल भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, क्रेडिट नहीं थी, उसमें क्रेडिट होनी जरूरी होती, वो क्रेडिट नहीं थी और वो क्रेडिट कंप्लीट करने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते, उसके पहले आपको मैं बताना चाहूंगा वीडियो का जो टाइटल है वो, और जो टाइटल है मैडम जी आपको बताएगी, Unable to pay parking fees, Pakistan International Airline forced to buy planes. तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजर लीराइट। दोस्तों ये वीडियो, इसको शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेजरली राइट को भी हमें बढ़ाना है और मेजरली राइट को और आगे ले जाना है। दोस्तों मेरे बहुत ज़्यादा प्लान्स हैं मेजरली राइट के लिए, कुछ कुछ आपने चेंजेस देखे होंगे और लोग आएंगे और इसको ज्वाइन करेंगे मेजरली राइट को। और मेरा ये एम है, मेरा ये सपना है कि अगले 6-8 महीने में आपको हर एक घंटे में मेजरली राइट में वीडियो आता रहे। जितनी मेरा बस का है मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग यार। यहाँ पे वो और भी अपने चैनल्स हैं ना, चाणक्य डायलॉग्स हिंदी, चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश, उसके बाद भी रिकॉर्ड करना पड़ता है, कंपनी चलानी पड़ती है, इतना टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन जान लगा दूंगा इस चैनल को बढ़ाने के लिए, आपका आशीर्वाद हो तो। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं भिखारी पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, इसके पहले कि मैं बताऊं पाकिस्तान में हुआ क्या, मैं छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। पाकिस्तान में कई साल पहले एक बंदा था जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का चेयरमैन था। ठीक है, उसने एक दिन पकड़ा जहाज। अच्छा, रईस की औलाद तो है पाकिस्तानी, ऐसी बात नहीं है, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने। पाकिस्तानियों ने क्या बोला कि साहब हमारा जो बंदा है ना वो तो अकेले जहाज में ट्रैवल करेगा, वीआईपी जेट होना चाहिए इसके पास। तो साहब एक जहाजवास तैयार करा, उसने बोला मैं जा रहा हूँ जर्मनी। शायद वो जर्मनी का ही था, फॉरेनर ही था, उसका नाम नहीं याद मुझे। ये बंदा ले गया यूरोप, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का जहाज, ये बंदा ले गया यूरोप। ठीक है, और यूरोप ले जाने के बाद इसने वो जहाज वहां पे बेच दिया। क्या समझे आप, विश्वास नहीं हो रहा? थोड़ा ऐसे ऐसे करिए, चोटी काटिए हाथ में, जरा सो रहे हैं जाग रहे हैं, ये सपना है कि ये एक्चुअली कहानी सही है, बिल्कुल सच है। इन भाइयों ने अपने खुद का जहाज बेच दिया वहां पे और वहीं पर सेटल हो गया पैसा लेके। उसने बोला मैं वापस नहीं आ रहा, जितने भी करोड़ मिले जेब में डाले, थैंक यू बोल दिया। सिर्फ ये नहीं है, एक और कहानी सुनाता हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये वाला मेजरली राइट आप देखिएगा। कहानी ये दोस्तों की, जो पाकिस्तान का एम्बेसी था, पाकिस्तान के एम्बेसी की कई बिल्डिंग हैं, कई होते इंडियन एम्बेसीज की कई हैं, चाइनीज एम्बेसी की एक तो मेन बिल्डिंग होती है, फिर छोटी छोटी बिल्डिंगें होती है ना, तो एक दूसरी ऑफिशियल बिल्डिंग थी अमेरिका में। भाइयों ने क्या करा आपको पता है, भाइयों ने वो बिल्डिंग बेच दी। आपने सुना होगा नटवरलाल ने ताजमहल बेच दिया, बचपन में हम लोग ऐसी बड़ी कहानी सुनते थे कि नटवरलाल ने ताजमहल बेच दिया, लाल किला बेच दिया, कुतुब मीनार बेच दिया। पाकिस्तानियों ने, ये तो नटवरलाल की कहानियां थी, भाइयों ने एक्चुअली अपनी एम्बेसी की बिल्डिंग बेच दी। दिस इज अ रियल स्टोरी। अच्छा, अब इन सब स्टोरीज का पाकिस्तानी एयरलाइन से या पाकिस्तान से क्या लेना देना है आज के संदर्भ में, तो पुरानी कहानी आप बोलेंगे मेजर साहब पुरानी कहानी क्यों सुना रहे हो, मैं आपको आज की कहानी सुनाता हूं। देखो जी, बात यह हुई कि दो एयरक्राफ्ट जकार्ता के एयरपोर्ट में सितंबर से पार्क्ड थे, 2021 सितंबर, ये वाला नहीं, 2021 सितंबर के, और सिर्फ उनकी पार्किंग फीस थी $15 मिलियन, यानी सितंबर 2021 से लेकर 21-22-23 दो साल दो महीने इनके हो गए। भाइयों के पास पैसे ही नहीं, क्योंकि हर महीने 0.6 मिलियन बनता है, तो ये बन गया टोटल 15.4 मिलियन। अब
पाकिस्तान को लगा डर कि भाई इतने पैसे कैसे देंगे कैसे देंगे कैसे देंगे, फिर उन्होंने हिम्मत करी और उन्होंने वो जो जहाज हैं वो खरीद लिए, क्योंकि खरीदना उनको अच्छा पड़ रहा था, सस्ता पड़ रहा था, और पार्किंग उनको महंगी पड़ रही थी, और पाकिस्तानी पहले चोरी कर रहे थे, कह रहे नहीं पार्किंग नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। कई जगह दोस्तों पाकिस्तानी प्लेन्स को रोका गया है, क्यों? क्योंकि भाइयों ने तेल के पैसे नहीं दिए। आप सोचो कि आप पेट्रोल पंप पे बैठे हो और पेट्रोल पंप पे आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो यार तेल भरना, जरा टैंकी फुल कर दो, उसने टैंकी फुल कर दी, कह रहा साहब पैसे, आप चुपचाप गाड़ी में बैठे, फट से आपने गाड़ी निकाल ली, आप चले गए, वो कह रहा भाई साहब पैसे दो दो पैसे, आपने बोला मारो गोली पैसे, मैं तो गया, आप निकल लिए। एक हफ्ते बाद आप फिर आए, आप फिर भाग गए, तीसरी बार उसको बोला यार ये बंदा मैं यही वही है जो दो बार पहले भागा था, उसने पकड़ी गुत्थी और उसने आपको नीचे उतार लिया, फिर उसने बेइज्जत करा, जलील करा और गाड़ी उसने कैप्चर कर ली, गाड़ी बोला कि भाई मैं तुम्हें तुम्हारी गाड़ी नहीं दूंगा। यही पाकिस्तान करवाता था, तेल भरा के फू, कसम खाते हैं जी अगली बार दे देंगे, कसम, कसमें खा ली, झूठी, हवाई जहाज उड़ा दिया। अब उसने बोला कसमें वसमें तुम्हारी, तुम्हारी तरह खोखली है, बैठा दो जहाज। ये भी पाकिस्तान के साथ हो चुका है दोस्तों। दोस्तों ये थी पाकिस्तान के निकम्मे पने और गरीबी की एक नायाब और नई कहानी। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और आई थिंक हमने पहले एक न्यूज सुनी थी जिसमें ऐसा ही न्यूज था, बट ये न्यूज वही थी एम्बेसी वाली, याद होती है तो? हाँ, वो एम्बेसी बेच दी। हाँ, वो कितना टाइम होगा, 2-3 महीने पहले की बात, ऐसा कुछ ही है कि पाकिस्तान, बट कंट्री मेरे को यार मालूम नहीं है कौन से कंट्री में उसकी एम्बेसी थी, जिसको वो सेल आउट कर चुके। आई थिंक मेजर गौरव वाले जो जिक्र कर रहे थे, हाँ, मेरे को अमेरिका में ही थी, आई थिंक यूएस, हाँ अमेरिका में ऐसा ही कुछ था कि वहां से पाकिस्तान ने एम्बेसी जो है वो सेल कर दी। तो भाई पाकिस्तानियों मतलब क्या आपके लिए बात करें, मतलब हर ऐसा देखो, इतने टाइम से हम पाकिस्तान के रिलेटेड वीडियो बना रहे, कभी भी मैंने दोस्तों अच्छी न्यूज नहीं सुनी है। या तो पाकिस्तान में कोई अच्छी न्यूज है, वो लोग आगे ले मतलब किसी को बताना नहीं चाहते, क्या ऐसा कुछ हो पाकिस्तानियों, तो प्लीज हमें थोड़ा शेयर कीजिए कि भाई हमारे यहाँ पे भी अच्छी न्यूज आ रही है, बट लेकिन हम दिखाना नहीं चाहते, ऐसा कुछ हो तो प्लीज शेयर कीजिए। बाकी बैड न्यूज डेली रहे, डेली पाकिस्तान के लिए बैड न्यूज। और ये फ्यूल के पैसे नहीं दे पा रहे, एम्बेसी बेच रहे, पार्किंग के पैसे नहीं दे पा रहे, और पीआईए तो सेल करने की बात तो करीबन 2-3 महीने से चल रही है ना पाकिस्तान में, पीआईए सेल करनी है तो प्राइवेटीकरण करना, ऐसा कुछ बात चल रही है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान की जो मुख्य एयरलाइन है वो उनमें से एक एयरलाइन है पीआईए, जैसे हमारे इंडिया में इंडियन एयरलाइन जो है वैसे वहां पे पीआईए एयरलाइन है, तो वो जो है वो मतलब उसकी हालत भी बहुत खराब है, ऐसा गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट की एयरलाइन है, उसकी हालत ही पूरी तरह से खराब है, लोग उसमें जो है सवारी करना ही नहीं पसंद करते हैं। मतलब ऐसा समझ लो कि जो हमारे यहाँ पे पौराणिक बसें चलती थी स्टेट वाइज, जो गवर्नमेंट जो भी स्टेट में बसें चलती है गवर्नमेंट की, उसकी मैं बात करो, मतलब पहले था ना जर्जरित बसें होती थी, सीटें टूटी हुई, जो हम सरकारी बसों की हर बात ऐसे ही होता है जो पुरानी, अब तो सब कुछ ठीक है, खास नई नई बसें, अब नई बसें उनमें से भी एयर कंडीशन वाली बसें है, बहुत क्लीन और साफ सफाई भी, नीट एंड क्लीन भी रखते, वो भी एक अच्छी बात है। तो उससे भी खराब हालत है पाकिस्तान पीआईए की। तो ये लोग दोस्तों, आपको किसी को मतलब लेना बेना हो तो पाकिस्तान से डायरेक्टली बात कर लीजिएगा, क्योंकि वो तो चाहते हैं सेल आउट करना, प्राइवेटीकरण करना, बट पता नहीं कब करेंगे, बट वो भी करने की ताकत नहीं होगी, क्योंकि उसको लेगा कौन, वो एक क्वेश्चन है, उसको लेगा खरीदेगा कौन, वो इतना पैसा किसके पास होगा कि पाकिस्तान की एयरलाइन ले सके, पाकिस्तान की एयरलाइन कोई भी ले सकता है, बड़ा बिजनेसमैन जो है वो ले सकते, लेकिन इतनी घाटे में है किसी की ताकत ही नहीं कि वो ले सके पूरा, मतलब वो जो प्लेन है वो भी बहुत मतलब जर्जरी हालत में बोल सकते। खुद कमर सीमा जी जो है उसके वीडियो में हमने देखा था, अब मेरे को याद आया, उन्होंने उन्होंने पूरी मतलब वीडियो बताई थी कि ये हालत है भाई एयरलाइन की पीआईए की, सीटें भी टूटी फूटी है, वो ये खुद उसके वर्ड्स है। तो ये हो रहा है पीआईए में, और फ्यूल के पैसे तो जो मेजर गौरव ने बताया वो भी, दूसरा है कि वहां पे 2021 में दो एयरलाइन उन लोगों ने पार्क की थी, उसका जो किराया है रेंट फीस जो है पार्क करने की $15 मिलियन पाकिस्तानियों, $15 मिलियन में ऐसा समझ सकता हूँ, $15 मिलियन से
टोटल 25 करोड़ जो आपकी आवाम है ना, उसका 1 महीने का या तो 2 महीने का खाने के लिए निकल जाएगा, उससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ नॉर्मल खाने की। फिर आप ऐसा बोलो भाई हमें कोरमा चाहिए, बेस्ट में बेस्ट आपको बिरयानी, वो वाली बात नहीं मैं कर रहा हूँ, दाल रोटी की बात कर रहा हूँ। ये आप कमेंट में मत लिख देखते कि भाई इतने तो हमारे यहाँ पे 5-6 फैमिली का होता है, कोई खर्च करते हैं बट अच्छे खाने, बट नॉर्मल जो हम रेगुलर खाते हैं दाल रोटी की बात हो रही है, उतना करीबन आपको गवर्नमेंट की ओर से यदि कोई स्कीम चलाई जाए तो 15 मिलियन में अच्छे खासे लोगों को राशन मिल सकता है। तो देख लो आपके लोग, आपके आका जिसको आप सुन के कुर्सी पे बिठाते हो, वो लोग क्या कर रहे हैं। मेरे को लग रहा है ये सारा का सारा जो प्रॉब्लम है ना, ये एजुकेशन की कमी होती है, मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, अर्थशास्त्र जिसको हम इकोनॉमिक बोलते हैं उसका प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा एक होता है मनोवैज्ञानिक धारणा बोलते हैं हर बार, वो भी एक प्रॉब्लम। तो ये सारे जो है ना वो पाकिस्तानी हो, इंडिया में सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इकोनॉमिक एंड मनोविज्ञान जो है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स आएगा आपको साइंस में यदि आप 12th या उससे अधिक पढ़ाई करते हो तो, और उसके अलावा जो इकोनॉमी आएगा इंडिया में कॉमर्स लेवल पे, और उसके अलावा जो मनोवैज्ञानिक है वो आएगा आर्ट्स लेवल, ठीक है। ये मैंने आपको पार्ट बता दिए, यदि आपको एजुकेशन लेना हो इंडिया से तो आ जाना कभी, तो वीजा मिले तो, वीजा के बिना मत घुसियो इधर हर एक बार भी नहीं। ये अभी आपको वन कर रहे हैं क्योंकि जब वर्ल्ड कप था 15 लोग आए थे, वो मिले या नहीं मिले उसका तो न्यूज नहीं आया, लेकिन गायब हो गए थे, ये न्यूज आ गए थे। इस वीडियो को दोस्तों यहाँ पे समाप्त करते थे फिलहाल, तो हंसी मजाक में वीडियो खत्म किया, वो इसीलिए खत्म किया क्योंकि पाकिस्तान को ऐसी वीडियो से दर्द बहुत होता है, ठीक है। वो दर्द इसीलिए होता है क्योंकि वो भी बुराई सुनना नहीं चाहते, लेकिन वो भी मजबूर है क्योंकि वहां पे बुरे न्यूज के अलावा कोई न्यूज आती ही नहीं है, हमारी भी मजबूरी है। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान को हल्के में कोई मत लियो, पाकिस्तान के पास बहुत पैसा है, वो ऐसी ही न्यूज वायरल करवाते हैं या तो ऐसी ही न्यूज फैलाते हैं दूसरों के साथ, या सोशल मीडिया में भी एक न्यूज सब डालेंगे। वो ऐसा इसलिए नहीं कि वो खुद बेइज्जत होना चाहते, वो इसलिए चाहते हैं ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान जो है वह पूरा गरीब मुल्क है, उसको भीख में मिलता है, मतलब विक्टिम कार्ड खेलने, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए। अब तू समझी और हमारे व्यूअर भी समझ गए। तो इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते दोस्तों, फिलहाल हम आपसे विदाई चाहते हैं इस वीडियो से, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।